यां देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमः नमः। जम्मू के तिरकुच पर्वत पर माता वैष्णो की एक पवित्र और भव्य गुफा है। इस चमत्कारी गुफा में प्राकृतिक रूप से तीन पिंडियां बनी हुई हैं। ये पिंडियां माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली की हैं। जो भी भक्त माँ की इस पवित्र गुफा में आते हैं, वे यहाँ माँ की इन तीन पिंडियों के पवित्र दर्शन करते हैं। परंतु इस गुफा में माता वैष्णो देवी की कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो देवी इस गुफा में अदृश्य रूप से मौजूद है, परंतु फिर भी यह पवित्र स्थान वैष्णो देवी तीर्थ के नाम से जगत विख्यात है। इसका कारण यह है कि माता वैष्णो देवी यहाँ इस गुफा में अदृश्य रूप से मौजूद है और उस वचन के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रही है, जो वचन भगवान श्री राम ने देवी त्रिकुटा को दिया था। आखिर यह देवी त्रिकुटा कौन थी? तो आइए सुनते हैं देवी त्रिकुटा और भगवान श्री राम की यह पवित्र कथा। बात त्रेता युग की है। त्रेता युग में इस पृथ्वी पर कई आसुरी शक्तियां जैसे रावण, कुंभकर्ण, ताड़का, खरदूषण इत्यादि असुरों ने अपने अत्याचारों से सब और आतंक मचा दिया। इन राक्षसों की आतंक से त्रिदेव भी परेशान थे। यह देखकर माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती ने यह निश्चय किया कि वे त्रिदेवों की चिंता को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगी। तब धर्म की रक्षा के लिए इन तीनों महादेवियों ने अपने अपार तेज से एक दिव्य शक्ति को जन्म दिया। इन तीनों महाशक्तियों के स्वरूपों से तीन तेज एकत्रित हुए और संयुक्त होकर एक सुंदर दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हो गए। उस दिव्य कन्या ने इन तीनों महाशक्तियों से यह प्रश्न किया, हे माताओं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है? यह सुनकर उन तीनों महाशक्तियों ने यह उत्तर दिया, हे पुत्री, इस संसार में आसुरी शक्तियों के विनाश, धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। अब तुम भगवान विष्णु के अंश से अवतार धारण करके दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर पुत्री बनकर जन्म लो। उसके पश्चात तुम आत्म प्रेरणा से धर्म की रक्षा और प्रचार करोगी। महाशक्तियों की आज्ञा अनुसार उस दिव्य कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में अवतार धारण किया। उस कन्या के जन्म से पूर्व ही इन तीनों महाशक्तियों ने रत्नाकर को स्वप्न में यह बोध कराया कि उसके घर एक दिव्य कन्या का जन्म होने वाला है। रत्नाकर सागर एक लंबे समय से निसंतान थे। इस देवी बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने यह वचन लिया कि यह बालिका जो भी कुछ करना चाहेगी वह उसके मार्ग में कदापि नहीं आएंगे। महाशक्तियों की आज्ञा अनुसार उस दिव्य कन्या ने समय आने पर रत्नाकर के घर जन्म लिया। इस दिव्य कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया। कम उम्र में ही त्रिकुटा ने अपनी अलौकिक शक्तियों से ऋषियों, मुनियों और देवताओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उस दिव्य कन्या के दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। बाद में यह कन्या भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होने के कारण वैष्णवी नाम से जगत विख्यात हुई तथा जिस धर्म का प्रचार इस कन्या ने किया वह धर्म वैष्णव धर्म कहलाया। बचपन से ही त्रिकुटा को दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। जल्द ही उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह ज्ञान ध्यान और तपस्या से ही अर्जित किया जा सकता है, परंतु परिवार में रहकर यह सब करना असंभव लग रहा था। जब यह बात त्रिकुटा ने अपने माता पिता को बताई
कि वह घर को त्याग कर समुद्र किनारे तपस्या करना चाहती है। तो वह तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं है। इसके पश्चात त्रिकुटा अपने माता पिता से आज्ञा लेकर समुद्र तट पर भगवान श्री राम की तपस्या में लीन हो गई और वहीं रहकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। जब रावण ने सीता माता का हरण किया, तब श्री रामचंद्र जी सीता माता की खोज करते हुए वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने समाधि में बैठी वहां उस दिव्य कन्या को देखा। भगवान श्री राम उसकी भक्ति देखकर अति प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम के पूछने पर त्रिकुटा ने अपने पिता का परिचय दिया और अपनी घोर तपस्या का यह कारण बताया। हे भगवान, मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया है। त्रिकुटा की बात सुनकर भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, नहीं सुंदरी, मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रती होने का संकल्प लिया है। परंतु यह सुनकर भी त्रिकुटा ने अपने विचार ना बदले। तब अंत में भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, मैं वनवास के पश्चात तुम्हारी कुटिया पर भेष बदल कर आऊंगा, और यदि उस समय तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अवश्य ग्रहण करूंगा। देवी, आज से तुम्हारा नाम वैष्णवी होगा। इस प्रकार वैष्णवी को आश्वासन देकर भगवान श्री राम सीता माता की खोज में आगे निकल गए। काफी समय बीत गया, परंतु वैष्णवी का भगवान श्री राम के प्रति इंतजार समाप्त नहीं हुआ। कुछ समय के पश्चात अचानक एक दिन एक वृद्ध साधु वैष्णवी के समक्ष आए और उन्होंने वैष्णवी से विवाह का एक मधुर प्रस्ताव रखा। सुनकर वैष्णवी ने उस वृद्ध साधु से कहा, हे महाराज, मैं तो सदा से ही भगवान श्री राम की हूँ और वह मुझे स्वीकार करने के लिए आने ही वाले हैं। परंतु अचानक वैष्णवी को कुछ आभास हुआ, परंतु जब तक वह कुछ समझ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम ही थे। तब वैष्णवी ने उनसे क्षमा मांगी। वैष्णवी की क्षमा मांगने पर भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, तुम्हारा मुझे पहचान ना पाना यह दर्शाता है कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने का समय अभी नहीं आया है। इस त्रेता युग में तो नहीं, लेकिन कलयुग में जब मेरा इस पृथ्वी पर कल्प की अवतार होगा, तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति के रूप में अवश्य ग्रहण कर लूंगा। उस समय तक तुम उत्तर भारत में मानिक पर्वत के तीन शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत पर जो गुफा है और जहाँ तीन पिंडियां हैं, तुम वहाँ निवास करो। उन तीन महाशक्तियों के नाम है माता काली, माता महालक्ष्मी और माता सरस्वती। हे देवी, तुम उस पवित्र गुफा में निवास करो और वहां पहुंचकर तपस्या में लीन हो जाओ, जहां नर नील हनुमान आदि तुम्हारे प्रहरी होंगे। इस समस्त जगत में तुम्हारा यश होगा और तुम इस पृथ्वी पर वैष्णो देवी के नाम से जानी जाओगी। भगवान श्री राम की ऐसी आज्ञा पाकर रत्नागढ़ सागर की कुवारी कन्या वैष्णवी ने त्रेता युग में ही त्रिकुट पर्वत पर विराजमान उस गुफा में प्रस्थान किया और उसी समय से वह वहां तपस्या में लीन हो गई। युग बदलते गए, माँ के भक्त चारों दिशाओं से उस गुफा में अपनी मनोकामना लेकर आते रहे और माता वैष्णो देवी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती रही। आज भी माता वैष्णो देवी भगवान श्री राम के आदेश के अनुसार उसी गुफा में तपस्या करती हुई उनकी प्रतीक्षा कर रही है तथा दरबार में आने वाले भक्तों के दुखों को दूर कर रही है। जय माता वैष्णो देवी, जय माता दी। अंत में मैं ज्योति गोयनका माता वैष्णो देवी को कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। माता वैष्णो देवी की प्रेरणा से ही मैं YouTube पर अपनी वीडियोस के द्वारा हमारे समाज में धर्म प्रचार करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ।
मेरे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए मुझे आप सबके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। अतः मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सब मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस प्रयास को सफल बनाने में अपना सहयोग दीजिए। जय माता दी, जय माता वैष्णो देवी।